लिस्ट पे आज मेरे एजेंडा पे आज काफी सारे काम थे मेन तो यही है किचन का ही काम है तो ये काफी सारे काम होते हैं और अभी मैंने जब ब्लॉग बना रही थी तो मैंने टाइमिंग देखी ना और तो भाई मेरा अच्छे खासे घंटे इसके अंदर लगे और रियलाइज नहीं होता वीडियो को देख कर लेकिन जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मैंने बहुत लाइक 10 टू 11 मिनट्स की ही बनानी होती है कोशिश करती हूँ कि छोटी बन, बने वीडियो लेकिन इतना ज़्यादा मेरा टाइम लग गया था बट उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन जो मिल जाती है ना आपको वो मेरा ख्याल है कि उसका कोई मैच नहीं होता बेसिकली मैंने जो है वो काफ़ी दिनों से मैं इसको कॉन्टम्पलेट कर रही थी और मैं इसको ले कर रही थी इस चीज़ को और फिर भी जाहिर सी बात है आई हैड टू डू इट एंड तो मैंने कहा कि आज नहीं कर, किया तो फिर मतलब कब करूंगी मैं uh, कल भी मुझे ही करना है आज भी मुझे ही करना है तो, सो चलो आज ही कर लेते हैं सीन ये कि मेरे पास ना काफी सारे जार्स थे तो मतलब यूजली uh, तो मैं उनको यूज करती हूँ स्पेसिफिकली uh, जो ग्लास के होते हैं मैं उनको स्टोर कर लेती हूँ मैं उनको सेव कर लेती हूं। uh, हाँ बिल्कुल ये uh, बचपन में हम कहते थे कि अमिया जो हैं वो ऐसी क्यों होती हैं एंड आई जस्ट रियलाइज हैव बिकम माई मदर जस्ट लाइक हर लिटरली और जब ये वीडियो बना रही थी एंड देन ऑब्वियसली उससे पहले जो मैं अपने जार्स uh, मैंने जमा किए हुए थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो निकाले मैंने एंड एक पूरा कबर्ड है उसका एक पूरा जो उसका सेक्शन है ना उसमें जार ही काफी रखे हुए थे अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है ना अचार वगैरह आता है या लाइक उसके अंदर अर्जुन जगाली का पेस्ट मैं पहले लेती तो वो शान के जो बड़े वाले आ, होते हैं इस तरह की ना तो वो काफी आपके जो है ना जमा हो जाते तो मैं उनको फेंकती नहीं थी मैं उनको क्या करती थी वॉश करके रख लेती थी या तो यूज कर लेती थी मैं, मैंने झार्स वगैरह वॉश करके उनको अच्छे से ड्राई कर लिया था और तो फिर इसमें जो है मैं अपने सारे मसाले वगैरह ऐड कर दी कर रही थी और मैं देख भी रही थी कि उसमें कौन से एक्सपायर हो चुके हैं और कौन सी चीजें जो हैं अभी कितना और ज्यादा लंबा चलेगा तो जिसमें आ, कुछ चीजें ऐसी थी जो कि बस लाइक ले, नियर टू एक्सपायरी थी तो वो मैंने अलग रख ली हैं ताकि वो पहले यूज हो जाए और जो ज्यादा लंबे अरसे चलने वाले थे यानी कि जिनकी एक आध साल या डेढ़ साल तक एक्सपायरी है तो वो मैं अभी निकाल दूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है यार दो बंदों में कितना ही खाना बनता है और जाहिर सी बात है मसाले जो है ना वो मैं अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान गई ना तो मैंने मुझे हॉका पड़ गया था मतलब मसालों का ना तो मैंने लाइक पैंतीस चालीस हजार के यू वॉन्ट बिलीव इट लेकिन मैंने मसाले लिए खाली उसमें से काफी सारे मैंने बाद में रिटर्न भी करवा दिए थे आ, लेकिन ये आ, लेकिन जब चीज़ें वो ले आई मैं यहाँ पर तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार मैं कितनी सादा लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर मसाले बहुत महंगे मिल जाते मतलब मिल जाते हैं ऑब्वियसली मिल जाते हैं लेकिन वहाँ पर हम लोग गए हुए थे तो वाई नॉट यार मतलब लेकर आने का क्या मतलब अच्छी बात है फ़ायदा हो गया था मुझे अब मैं काफ़ी सारे जो मसाले लेकर आई थी मई मई में मैं, 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 मैं पाकिस्तान गई थी और सॉरी अप्रैल में मैं गई थी तो मैं अप्रैल में लेकर आ गई और मई में हमने यूज़ करना शुरू किए थे तो अभी तक अच्छे खासे मसाले मेरे पास रखे हुए हैं बस उसकी एक एक दो ट्रिप टिप एंड ट्रिक्स हैं वो ये कि आप जब लें तो आप उनकी एक्सपायरी चेक कर लें कि भई दो तीन साल वाली एक्सपायरी हो एटलीस्ट तो उससे ये होगा कि यार लंबा अरसा चल जाएंगे और और ये देखें ये हस्बैंड ना लेकर आए थे ऑफिस में उनके पास सैंपल्स वगैरह आते रहते हैं मेरे लिए लेकर आए थे तो लेकिन ये कि पता नहीं की मुझे ये अच्छे नहीं लगे और हस्बैंड खाते नहीं है तो बस ये एक्सपायर हो गए बेचारे और इनका टेस्ट मुझे समझ में कुछ नहीं आया था और कुछ मतलब तो वो फिर मैंने ना नहीं खाया तो अब ये रखे 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 अब ये लाइक like, एक्सपायर हो गए तो अभी इनको मैंने फेंक दी खैर आज जो है ना सारे कंटेनर्स को फिल करना था और कुछ न्यू कंटेनर्स थे जो कि मतलब मैं पैकेट्स में डाल के उसको रबर बैंड लगा के रख देती थी बेसिकली या जिप टॉक में रख देती तो आज मैंने सारे निकाले उनको मैंने एक दो दिन पहले कागज वगैरह रिमूव करना है, तो आपने ना गर्म पानी के अंदर अपने जार को डिप करके रख देना भले वो सारा दिन सारी रात के लिए रख दे लेकिन दो से तीन बार उनका पानी चेंज कर दे और उसके बाद जो है ना वो इतना स्मूदली उतर जाता है उसका

तो इस मोमेंट पे ना जार्स वगैरह ड्राए थे तो अब मैंने इनको जार्स में डाल के मसालों को रख दिया अभी भी काफी सारे मसाले ऐसे हैं जो ऑब्वियसली नहीं रख पाई क्योंकि इस जगह नहीं थी अब मेरे पास कंटेनर खत्म हो गए थे ऑब्वियसली मुझे ऑर्डर भी करने हैं जार्स जो सारे एक सारे एक जैसे हों सारे क्योंकि रंग बिरंगे अच्छे भी नहीं लगते हैं लेकिन बस मेरे दिमाग से निकल जाता है मैं अमेजोन से ऑर्डर करूंगी किसी दिन तो बस ये कि आई जस्ट वॉन्ट टू ऑर्डर लाइक जो कि लाइक मीडियम उसमें क्वांटिटी में एक तो बहुत छोटे वाले आते हैं वो मुझे नहीं चाहिए थोड़े से लाइक मीडियम साइड पर आ जाए तो वो मैं ऑर्डर कर दूंगी मुझे किसी दिन दिख गया ना अमेजोन से तो मैं डेफिनेटली ऑर्डर कर दूंगी उससे होता कुछ नहीं है उससे बस ये कि स्थेटिक होते हैं और वो लाइक आप अच्छे से कबर्ड में लग जाते हैं और वो एक अच्छी सी लुक आ जाती है दैट्स इट लेकिन इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड योर मनी ऑन लाइक ऑन जार्स तो मेरा ख्याल है कि ये भी सही है यार काम तो चल रहा है ना इनसे भी फिर भी ऑर्डर करूंगी इनशाला किसी दिन मेरे पास टाइम मिल जाए ना तो मैं ज़रूर ऑर्डर कर दूँगी यहाँ पर बन रही है आज कड़ी और ये देखें अभी मैंने पकने के लिए रखी हुई है इसमें जो है थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे ताकि ये पकती रहे अच्छे से क्योंकि गाढ़ी हो गई है ना तो जितना ये पकेगी उतना ज़्यादा अच्छी कड़ी बनती है तो और पानी ऐड करेंगे इसमें खाने का टाइम आ गया था और सारा काम करके मैं फारिग होके उसके बाद फिर मैंने कहा चलो यार खाना भी अभी बना लेते हैं और तो आज जो है ना पता नहीं क्यों अचानक से आई स्टार्टेड क्रेविंग कड़ी जो पंजाबी कड़ी होती है ठीक है अब मेरी मम्मा कड़ी बहुत मजे की बनाती है मतलब उनका रेकर्ड होता है कि जब वो कड़ी बनाती है तो वो एक तो बहुत, बहुत बड़े पतीले में बनती है और फिर उसके बाद उनकी इतनी सारे दोस्त दोस्तें है, हैं फ्रेंड्स हैं नेबरहुड में तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बॉक्स डाल के बकायदा और ये एक ना बड़ा उनका एक लाइक बहुत मेजर काम होता है तो वो बनाती हैं मैंने मैंने ऐसे सोचा कहा कि मुझे कड़ी बनानी है खैर तो क्योंकि uh, क्योंकि so uh, और तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं था and, uh, like, recipe बनाने का क्योंकि मैंने कभी कड़ी इस तरह से बनाई नहीं है मैंने फिर मतलब यूट्यूब से थोड़ा सा रेसिपी देख ली थी तो फिर ये मैंने कि चलो लेकिन अगर अच्छी बनी uh, तो आई विल शेयर द रेसिपी फॉर यू maybe <laughs> खैर तो यहाँ पर जो है ना अब पकोड़े बन रहे थे साथ साथ अच्छा अब आप कहेंगे कि पकोड़ों के लिए जो है ना कढ़ाई नहीं है हाँ मेरे, मेरे पास ना कढ़ाई है नहीं मतलब मेरे पास एक छोटू सा सॉस पैन है जो मैंने आईकिया से लिया था तो मैंने पूरे रमजान उसी में ही मैंने फ्राइंग वगैरह जो भी की करनी थी तो मैं उसी में ही करती थी लेकिन वो बहुत छोटा है तो कढ़ाई की तरह जो है ना वो उस तरह से नहीं है खुले मुंह का तो अब ये मेरे पास फ्राइंग पैन है तो मैंने कहा चलो यार इसी में रख देते हैं एक तो ऑयल कम डलेगा और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं होंगे मतलब मैंने शैलो फ्राई कर लिया जिस वजह से इनकी शेप बिल्कुल ना थोड़ी सी चिपटी चिपटी सी बनी है अदरवाइज जो है ना वो गोल वाले पराठे जो है ना वो पराठे कह रही हूँ पकौड़े अच्छे लगते हैं और तो फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने राइस तो बनाने के लिए रखे नहीं है तो फटाफट मैंने फिर राइस कुकर में वो रख दिए थे बना आ, बनने के लिए मैंने क्लिप ऐड नहीं किया अम, क्योंकि मैंने क्लिप बनाया ही नहीं था तो बस राइस बनने का फटाफट कुक हो जाए अच्छा जब मैंने खुद करी बनाई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यू हैव टू हैव अ प्रॉपर टाइम और डे स्पेसिफिकली जिस दिन आप करी बनाते हैं बिकॉज यू नीड टू हैव अ प्लान प्रॉपर Uh, तो सारी चीज़ें अलाइन होनी चाहिए और इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर टाइम ऑब्वियसली जब मेरी ममा कड़ी बनाती हैं तो वो सुबह में नाश्ते के बाद फ़ौर कड़ी बनने के लिए रख देती हैं ठीक है ठीके, अब होता क्या है कि उस दिन हम दोपहर में तीन या चार बजे खाना खाते हैं दोपहर का तो उसमें क्या होता है कि यार सारा दिन कड़ी पकती है और एक तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बनती है और दूसरा ये कि तो वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पकाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है है। तो मैंने तो खैर बस दो घंटे के लिए इसको कुक किया था अब जाहिर है तड़का लगाने की भाड़ी है तो तड़के के अंदर जो है ना यहाँ पर सिंपल प्याज काट के डाल दिया मैंने फ्राई करके और साथ में जो है ना गोल लाल मिर्चें थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता ये तीन चार चीजें डाली हैं मैंने तो बस ये देखें कड़ी इतनी मजे की बनी थी यार मतलब काफी बना ली क्योंकि इसको बनने में अच्छा खासा टाइम लगता है ऑलमोस्ट दो घंटे लगते हैं पकने में जितनी अच्छी पकती है ना कड़ी उतना ही इसका टेस्ट ज्यादा बेटर आता है अच्छा आता है तो मेरी मदर ने कहा था कि दो घंटे के लिए तो एटलीस्ट पकाओ वो तो खैर तीन चार घंटे पकाती हैं बेसिकली आ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना लंबा उसको खींच तो मैंने बस दो घंटे के लिए मैंने कहा कि इट्स मोर देन एनआफ yeah. खैर यहाँ पर अब डिश आउट कर रही हूँ मैं और इस वक्त जो है ना मुंह में इतना ज्यादा पानी आ रहा है और जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही करी लाइक आई एम क्रेविंग अगेन फॉर करी और आई माइट प्रिपेयर इट अगेन और तो अगर बनाई तो मैं आपके साथ रेसिपी जरूर शेयर कर दूंगी अपनी मामा से पूछकर ऑब्वियसली बिकॉज उनकी रेसिपी इतनी ज़्यादा फेमस है ना कि मतलब जिसकी कोई हद हाँ नहीं है बाकी ये अब हम खाना इंजॉय करेंगे और मैंने यहाँ दी है साथ में जो है अच्छा सा साथ में तो चले अपना बहुत सारा ख्याल और व्लॉग को करते हैं खत्म तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कर शेयर कर दे कॉमेंट कर दे एंड इफ आर न्यू हेयर प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल